आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। इजी चीज़ रिंग्स सबको बहुत पसंद आते हैं। ओनियन वाले चीज़ रिंग्स हम घर में बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं और अंदर तक चीज़ से अच्छी तरह से भरे हुए होते हैं। और हम कुछ सीक्रेट टिप्स को देखेंगे जिसकी वजह से तेल में डालने पर जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ वो मेल्ट भी नहीं होगा और हम आराम से जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चीज़ रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो मोज़रेला चीज़ होता है उसका एक ब्लॉक लेना होगा। ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, इसके हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे और ये बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर मोटे स्ट्रिप्स हमें निकालनी है इस तरह से, क्योंकि हम इन स्ट्रिप्स को प्याज के रिंग्स के बीच में रखेंगे। इस तरह से मैंने 10 स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके अंदर से आराम आराम से निकाल ली हैं। अब हम इनको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम प्याज को चेक करेंगे। इसके लिए हमें थोड़े बड़े साइज़ के प्याज की ज़रूरत होती है। अगर बड़ा प्याज ना मिल सके तो एटलीस्ट हमें मीडियम प्याज जो है वो इसके लिए चाहिए। इस तरह से मैंने चीज़ की स्लाइस निकाल के अलग रख दी हैं। अब हम प्याज को ऊपर से और नीचे से काट लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर प्याज का वेस्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस प्याज का इस्तेमाल जो बचा हुआ होता है उसका सब्जी का तड़का बनाने में कर सकते हैं। इसका हमें केवल बीच वाला सेंट्रल पीस चाहिए होता है। इस तरह से हम इसके रिंग्स जो हैं वो आराम से निकाल लेंगे। ये हमें लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक हमें थोड़े मोटे पीस निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम इसके सारे जो रिंग्स होते हैं वो आराम से निकाल लेंगे। हमें इन रिंग्स को टूटने नहीं देना है। और जो सबसे बड़ा वाला रिंग है और उसके दो रिंग, उसके बाद के दो रिंग छोड़ के 4th रिंग इस तरह से हमें चाहिए। ये इस तरह हम इसे सेट करेंगे और इसके बीच में हम जो चीज़ का हमने स्लाइस निकाल के रखी है स्ट्रिप्स, उनको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है तो ऊपर का हिस्सा मैं आराम से चाकू से कट कर दूँगी और इस तरह हम चीज़ को इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट कर देंगे। ये देखिए, पीछे से चीज़ बिल्कुल सही तरह सेट हुआ है। ऊपर का जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मैं चाकू से निकाल दूंगी। इस तरह से हमारे सारे चीज़ रिंग्स हम आराम आराम से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आराम से हमें इसके बीच में जो चीज़ का स्लाइस है वो आराम से फिट करना है। एक बार फिट होने के बाद ये निकलेगा नहीं और आराम से हमें बहुत अच्छे चीज़ी रिंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह मैंने बाकी की चीज़ रिंग्स भी जो हैं वो तैयार कर ली हैं। और जो इसके बीच में एक दो रिंग्स निकले हैं उनको हम बिना चीज़ के भी फ्राई कर सकते हैं। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, चीज़ के साथ भी और बिना चीज़ के साथ भी। 2 कप के लगभग कॉर्नफ्लेक्स लेंगे और इसका अच्छे से एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। एक दूसरे बाउल के अंदर मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, साथ में 4 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह आरारूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ओनियन पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हमें इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालना है। अगर आपके पास ओनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह इनका फ्रेश पेस्ट भी ले सकते हैं। साथ में हम 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप थोड़ा कलर करना चाहते हो तो इसके अंदर देगी लाल मिर्च पाउडर भी डाला जा सकता है, मगर मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसका बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, यही चीज़ रिंग्स को बनाने के लिए खास बात है। अगर हम पतला पेस्ट बनाएंगे तो वो उसके ऊपर से आराम से स्लिप हो जाएगा और चीज़ जो है वो गर्म तेल में डालने पर तेज़ी से मेल्ट हो जाएगा। बस हमें इतना गाढ़ा इसका जो है एक स्लरी बनानी है। अब हम एक एक करके रिंग्स को इसमें डिप करेंगे। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लेक्स का चूरा बनाकर रखा है उसके अंदर डिप करेंगे। हमें इन रिंग्स को डबल कोट करना होगा क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ फिल किया है, तो चीज़ जब गर्म तेल में डालते हैं तो तेज़ी से मेल्ट हो जाता है, वो सारा तेल भी ख़राब कर देता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इसके लिए अगर हम इसको डबल कोट कर लेंगे एक बार, इस तरह से मैंने इसे कॉर्नफ्लेक्स के अंदर अच्छी तरह कोट कर लिया है। इसके बाद हम इसे वापस से इस मैदा के घोल के अंदर डालेंगे और दोबारा इसको कोट कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके आराम आराम से सारे रिंग्स जो हैं वो बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। इन रिंग्स को तैयार करके हम 1-2 दिन के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर और फ्रीजर में रख दें और जब हमें सर्व करने हो
तो अब हम गरम गरम इसे फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह देखिए आप, आराम से मैंने पहले इसे एक बार कोट किया अच्छी तरह, फिर मैंने इसे वापस से उस स्लरी के अंदर डाला है। अच्छी तरह से हम इसके चारों तरफ फिर से जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की हमने स्लरी बनाई है उससे इसे कोट कर देंगे और इसे वापस से फिर से हम ब्रेड क्रम्स के इस चूरे के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से कोट करना ज़रूरी है ताकि गर्म तेल में डालने पर इसके अंदर से चीज़ जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। आप चाहें तो इस काम को हाथ से कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ जो है वो थोड़ा मैसी हो जाता है, लेकिन इससे अच्छी तरह से ये कोट हो जाता है। इस तरह हम एक एक करके सारे रिंग्स तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे रिंग्स तैयार करके रख लिए हैं, 3-4 मैंने बिना चीज़ के भी तैयार किए हैं। अब तेल को हमें काफ़ी तेज़ गर्म करना है और बिल्कुल हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि लो फ्लेम पर फ्राई करने पर इसके अंदर तेज़ी से जो मोज़रेला चीज़ की स्लाइस हमने लगाए हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगा, जिससे सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। लेकिन तेज़ फ्लेम पर तलने पर ऐसा नहीं होगा, ये आराम से हम आराम से इसको गोल्डन फ्राई कर सकते हैं। 3-4 मिनट तक हमें इसे टच नहीं करना, जब ये एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो ये अपने आप ही ऊपर की ओर तैर के आ जाएंगे, तब हम इसे आराम से पलट देंगे। ये चीज़ रिंग्स खाने में बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। गरम गरम चीज़ रिंग के अंदर से एकदम से इसे तोड़ो तो चीज़ मेल्ट होके आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी अच्छा लगता है। इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा जो है बच्चों को एक स्नैक्स आइटम खिला सकते हैं, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। ये देखिए किसी भी चीज़ रिंग के अंदर से हमें चीज़ जो है वो बाहर नहीं आया है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से इनको मैदा के अंदर कोट किया था। इस तरह मैंने बाकी के भी जो चीज़ रिंग्स हैं उनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए मैं आपको अभी एक तोड़कर दिखाती हूँ। कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर से चीज़ मेल्ट हो रहा है। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ।